Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Subscribe our channel like this and press the bell icon for future update. हे दोस्तों, मैं ब्रिजेश पासी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार गुड न्यूज़ देने वाला हूं, जो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर फ्री वैकेंसी अगर है तो आप बताइए। सो फाइनली यार, दो कंट्री के लिए हमारे पास फ्री वैकेंसी है आप लोगों के लिए, दुबई और कुवैत। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल और टाइटल देखा होगा, उसमें क्लियर मैंने कर दिया कि दोनों ही कंट्री में 45-45 कैंडिडेट्स की नीड है। और जॉब किस टाइप की होगी, सैलरी किस टाइप की होगी, कैसा है रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, 6 मंथ का शटडाउन प्रोजेक्ट है, सिर्फ 6 महीने ही आपको काम करना है, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या कहती है कि सैलरी आपको इतनी अच्छी और यूनिक दी जाएगी और 6 मंथ के ऊपर ये जॉब नहीं है, क्या टर्म एंड कंडीशन है जिसे आप फॉलो करोगे, और जो यहां के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट आपका कैसे हो सकता है इस पोस्ट के लिए, और कौन सी इसके अंदर कंपनी है, और क्या टर्म एंड कंडीशन है जो कि आप एग्री करोगे तो ही आप इसके अंदर सेलेक्ट हो पाओगे, तो ही आप एग्री हो पाओगे। वो टर्म एंड कंडीशन जानने के लिए मैं यहाँ पे 3 दिन आप लोगों को दूंगा, जो कि ऑफिस आजमगढ़ वाले ऑफिस में मैं अवेलेबल रहूंगा। उस ऑफिस में अगर आप लोग आओगे, उसमें आपको सारी टर्म एंड कंडीशन समझाई जाएगी और इतनी अच्छी सैलरी वाली वैकेंसी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नियर अबाउट मैं बता दूं, 35,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप लोगों को इसके अंदर कमाने का मौका मिल सकता है। तो 35,000 से 1.5 लाख वो अलग अलग पोस्ट पे डिवाइडेड है, कौन सी पोस्ट पे कितनी सैलरी है और क्या एजुकेशन हो सकता है उस पोस्ट के लिए, कैसे लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। सो फाइनली जो आपके सामने चार्ट है, उस पे मैं क्लियर कट मेंशन किया हूं कि जो कंपनी है वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है और उनकी एक छोटी सी कंपनी भी है जिसका घोषी प्रोजेक्ट लोग ने नाम दिया हुआ है, और जस्ट टेक्निकल सर्विस कंपनी एक तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसी भी है जो कि दुबई और कुवैत दोनों ही कंट्री में स्थित है। और दुबई के बारे में बता दूं तो दुबई बस एक स्टेट है, जैसे अजमान है, शारजा है, अबू धाबी है, वैसे ही एक दुबई है। और UAE फाइनली मैं दुबई में रह के आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये प्रोजेक्ट मुझे दुबई से ही मिला है। और एक कुवैत कंट्री में भी इनकी ऐसी ही स्थिति है, ऐसी ही कंपनी है जिसे रिक्रूट करते हैं और अलग अलग कंपनीज में ये लोग पोस्टिंग देते हैं। तो घोषी प्रोजेक्ट के द्वारा यहां पे मैं बता दूं CV सिलेक्शन है, और इस पे साफ साफ क्लियरली लिखा है, इफ यू आर agree with all term and condition then you are selected. So इसकी जो term and condition होगी वो बहुत strict है, उसको आपको follow करना होगा। term and condition मुझे पता चली है, मैं video में नहीं डाल सकता, थोड़ा सा इसमें ऊंच नीच वाला सवाल है, इसलिए मुझे मना किया गया है कि आप term and condition video में नहीं बताओगे, candidate को face to face deal करोगे। प्रॉब्लम के वजह से मुझे ये इंटरव्यू की डेट डिसाइड करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है मंथली, जो कि सैलरी आप लोगों को दुबई में दरम में मिलेगी और कुवैत में दिनार में मिलेगी। दुबई का दरम 1 दरम इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करोगे वो तकरीबन आपका चल रहा है 19 रुपए, और दुबई का जो कुवैत का हमारा दिनार है वो दिनार अगर आप देखोगे तो 225-220 ऐसे आप लोगों को मिल जाएगा रुपीस में। सो फाइनली पोस्ट जो है, सबसे पहली पोस्ट एडमिन स्टाफ की है। एडमिन स्टाफ में सिर्फ ग्रेजुएशन की एजुकेशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो तो इसके अंदर कैपेबल हो एडमिन स्टाफ। इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अगर आप कंपनी के हित में सोचते हो तो जो आपकी 6 महीने की शटडाउन का प्रोजेक्ट का जॉब है उस जॉब को बड़ा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि एडमिन स्टाफ की टीम में अगर आप उस लेवल पे कैपेबल हो, शामिल हो सकते हो, आपका ब्रेन टेस्ट होगा वहां पे, और ब्रेन टेस्ट में आप लोगों को बस एक ही चीज का वहां पे रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा कि आप कंपनी के हित में बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं, तो आप एडमिन स्टाफ की पोस्ट पे जा सकते हैं और लाइफ टाइम वहां पे काम कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसलिए पहले नंबर पे है। इसमें इंडियन करेंसी में अगर रुपीज में मैं बात करूं तो आप दुबई चले जाओ या फिर कुवैत चले जाओ तो दोनों ही कंट्रीज में आपको जो सैलरी मिलेगी वो इंडियन रुपीस में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि वहां दरम में और आप लोगों को सैलरी मिलेगी दिनार में। सो यहां पे इंडियन रुपीस में मैं बताऊंगा तो मेरे भाई बंधु लोग को बहुत ही बेहतरीन होगा, और जो मेरे दोस्त यार पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, ये लोग भी इस जॉब पे अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहां पे स्वैग से स्वागत है। गाइस, आप लोग ऑनलाइन ही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पे नहीं आना चाहते तो आपको कॉल पे ही सारी टर्म एंड कंडीशन बता दी जाएगी। सो 90,000 रुपीस ये मंथली
इनकी सैलरी बनती है, इनके रुपीज में मैं बात कर रहा हूँ। सो बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। देख सकते हैं आप जेसीबी ऑपरेटर, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है जेसीबी ऑपरेट करने का, आप इसे चला सकते हैं, आपके पास वैलिड लाइसेंस है किसी भी कंट्री का, तो आप इस पोस्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जिसके अंदर इंडियन रुपीज में 60,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। अकाउंटेंट की पोस्ट में मैं बता दूं, अकाउंटेंट का आपने काम भी नहीं किया, फ्रेशर लोग के लिए जॉब है गाइस, फ्रेशर के लिए, तो अकाउंटेंट की पोस्ट पे 70,000 की सैलरी है। बस आपको अकाउंटिंग का वो काम आना चाहिए, आपको अगर कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इस जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सो ड्राइवर की पोस्ट में बता दूं कि ड्राइवर चाहिए, हैवी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर दोनों की यहां रिक्वायरमेंट है, और किसी भी कंट्री का आपके पास वैलिड लाइसेंस है, अगर लाइसेंस वैलिड है या फिर एक्सपायर कर गया है, या फिर वो लाइसेंस आपको कहीं थ्रो कर दिए हो, नहीं मिल रहा आपका, लेकिन उसकी जेरोक्स कॉपी भी, फोटो कॉपी भी अगर आपके पास अवेलेबल है और आप एक ड्राइवर हो, हैवी ड्राइवर या लाइट ड्राइवर, तो इस पोस्ट के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो, कैपेबल हो कि आप अप्लाई करो दुबई या कुवैत में, तो 65,000 आपकी इंडियन करेंसी में सैलरी बनेगी, 65,000 रुपए पर मंथ, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए जॉब है, याद रखें इस बात को। और दूसरी पोस्ट पे मैं ले चलता हूं आप लोगों को, तो पांचवी यहाँ पे पोस्ट है हेल्पर और क्लीनर की। मॉल में हेल्पर और क्लीनर का क्या काम होता है दोस्तों? हेल्पर, जैसे आप कहीं प्रोडक्ट के बाहर खड़े हैं और वो प्रोडक्ट किसी कैंडिडेट ने आपसे पूछा, कस्टमर ने पूछा कि उसका दाम कितना है, या फिर उसके बारे में कुछ पूछा, इसे रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, इसका अलग मटेरियल का है, तो उसका आंसर देने के लिए जो मॉल में खड़े होते हैं स्टाफ, उस स्टाफ को हेल्पर यहाँ पे नाम दिया गया है, और क्लीनर जो मॉल को क्लीन कर रहे हैं, किसी भी शॉप को क्लीन कर रहे हैं, उनको यहाँ पे क्लीनर का नाम दिया गया। मिनिमम इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो 35,000 रुपए उनकी सैलरी बनती है दोस्तों। और यहां पे छठवीं पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन प्लंबर। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लंबर हो, आप काम जानते हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप काम जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आपने इंडिया में रहकर काम किया है या आपने किसी भी कंट्री में रहकर आपने काम किया, आप उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो आप इस जॉब को अप्लाई करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट और एजुकेशन की जरूरत नहीं है। 45,000 रुपए मिनिमम आपको सैलरी मिल जाएगी, याद रखें आपको ये शट डाउन प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। तो सातवीं पोस्ट अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है गाइस, मैनेजर की पोस्ट है, लेकिन इसमें एजुकेशन का बैरियर डाला गया है, मस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन आता तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो एजुकेशन है वो एमबीए फील्ड से, आप किसी भी फील्ड से एमबीए किए हो किसी भी स्ट्रीम से, तो आप यहां पे एमबीए वालों को ही अलाउ किया जा रहा है मैनेजर की पोस्ट पे। तो 110,000 रुपए मिनिमम सैलरी है, इससे ज्यादा ही आप लोगों को सैलरी यहां पे मिलेगी। सो सुपरवाइजर की पोस्ट यहां पे आई है दोस्तों। सुपरवाइजर की पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल और 12वीं वाले भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं वाले अगर अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग की हैबिट है उनको, तो यहां पे सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 उनको मिनिमम सैलरी यहां पे मिलेगी दोस्तों। सो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट नौवां आप देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर के ऊपर आपको पूरा ज्ञान है, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़े हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 80,000 रुपए आपके यहां पे सैलरी है। सो 10th वाली अगर पोस्ट आप देख रहे हो तो कारपेंटर, दो तरह के कारपेंटर को यहां पे अप्लाई किया गया है, शटरिंग कारपेंटर, फर्नीचर कारपेंटर, और मेशन भी साथ में जोड़ा हुआ देख सकते हैं। मेशन जो है, ऑल टाइप ऑफ मेशन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं टोटल कारपेंटर और मेशन किसी भी प्रकार के हो अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी है उनकी वो 55,000 रुपए यहां पे सैलरी इंडियन करेंसी में, 55,000 रुपीज यहां पे उनको मिलने की पूरी संभावना है। और नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं, जो 11वें नंबर की पोस्ट है, कुक और वेटर की पोस्ट है गाइस। वेटर एंड वेटरेस, मतलब मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं वेटर की पोस्ट पे। कुक की यहां पे पोस्ट है, हर एक प्रकार का कुक का डिश, अगर आप किसी भी प्रकार के कुक की डिश बनाना जानते हो तो आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। खास करके अरेबियन कुक होंगे तो और अच्छी सैलरी मिलने की यहां पे संभावना है दोस्तों। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इसमें जो सैलरी है वो 60,000 रुपए इंडियन करेंसी में आपको किसी भी कंट्री में मिल जाएगी। तो 12वीं पोस्ट आप देख सकते हैं पैकिंग वर्कर की है। पैकिंग वर्कर्स कैसे होने चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूं इसमें एजुकेशन बैरियर कुछ नहीं है, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है। इस सारी पोस्ट में जो आपका पासपोर्ट है तकरीबन 8 महीने वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए तो ही आप किसी भी पोस्ट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज पासपोर्ट आप बनवा लें तो ही आप इस जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। 50,000 रुपए यहां पे मंथली सैलरी है
पैकिंग वर्कर्स की, पैकिंग नॉर्मली पैकिंग का आपको जॉब दिया जाएगा। सो 13वां नंबर की जो पोस्ट है स्टोर कीपर की है, जैसे कि मॉल में स्टोर्स होते हैं और छोटे छोटे तरह तरह के स्टोर्स ऐसे अलोन होते हैं, उन स्टोर्स में आपको स्टोर कीपर की पोस्ट दी जा रही है, जिसमें मिनिमम 60,000 रुपये इंडियन करेंसी आपको मिलेगी, क्योंकि ये शट डाउन प्रोजेक्ट है इसलिए इतनी अच्छी आप लोगों को सैलरी मिल रही है। सो फाइनली गाइज, इंजीनियर की पोस्ट और सबसे बड़ी पोस्ट इस पूरे जॉब में, सबसे बड़ी पोस्ट ये है सिविल इंजीनियर। और मैं बता दूं तरह तरह के इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और भी अलग तरह के इंजीनियर्स होते हैं। उन इंजीनियर्स को यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन अवसर और मौका दिया गया है। 1,40,000 रुपए मिनिमम सैलरी मिलेगी उनको दुबई और कुवैत दोनों ही कंट्री में। रुपीज में मैं बात कर रहा हूं, दरम में और दिनार में आप बात करोगे तो काफी यूनिक और अच्छी सैलरी है। मैंने यहां पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कम ही सैलरी लिखो, और ज्यादा मिलेगी लोगों को तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो यहां पर 1,40,000 आपको मिनिमम सैलरी इंजीनियर की पोस्ट पर मिलेगी। बस शर्त यह है कि आपका जो एजुकेशन होगा, इंजीनियर लेवल का डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप इस जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 15 नंबर की जो पोस्ट है वो सेल्समैन की पोस्ट है। इसके अंदर इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका है अच्छा, तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हो। आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए और खास करके अरेबिक अगर बोलने आती है, आपको अरबी बोलने आती है, तो भी इस जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हो। दो लैंग्वेज वाले इस जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, इंग्लिश और अरबी, ठीक है। तो 50,000 रुपये आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी इंडियन करेंसी की, मैं बात कर रहा हूं 50,000 रुपए। सो बात करते हैं, ये सारी 15 पोस्ट तो मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर है, क्या डॉक्यूमेंट डालेंगे। सिर्फ सीवी सिलेक्शन है, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से क्या डॉक्यूमेंट आप डालेंगे तो आप सेलेक्ट हो पाएंगे। सो सबसे पहले बात मैं यहां पे बता दूं कि पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और सीवी रिज्यूम जो आपका होता है, बड़ी पोस्ट वालों को 100% मस्ट है कि आप रिज्यूम डालें, और छोटी पोस्ट वाले अगर उनके पास रिज्यूम नहीं है तो मेक करें, नॉर्मल सा नहीं कर पाते हो, जैसे हेल्पर क्लीनर उनको वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है इतना खास रिज्यूम, लेकिन बड़ी पोस्ट वाले 100% यहां पे आप लोगों को रिज्यूम की जरूरत है। और पासपोर्ट साइज जो आपका फोटो है वो कलर स्कैन कॉपी होना चाहिए, लेकिन रिमेंबर दिस, बैकग्राउंड इज कंपल्सरी व्हाइट। तो व्हाइट कलर का पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और ये आपका डॉक्यूमेंट आपका जो है, तीन मैंने बता दिया, चौथे डॉक्यूमेंट को अगर आप देखोगे तो आपका मेडिकल रिपोर्ट यहां पे मस्ट है, वो भी गम का वाला। तो मेडिकल रिपोर्ट जो होता है उसका गल्फ कंट्री से एक तरह का लिंक अलग से ही होता है, तो मेडिकल गम का रिपोर्ट आपकी कहां बनेगी, एक गम का सेंटर होता है जहां पे आप जाओगे वहां पे अपने हाथ से आपको अमाउंट पे करना है मेडिकल का। कहीं कहीं मैंने सुना है 3,000 में भी हो जाता है, कहीं 4,000 में, 4,500 में, कहीं कहीं 8,000-8,500 भी लग जाते हैं। तो आपको मैं गमका मेडिकल सेंटर, हम खुद ही एड्रेस दे देंगे, वहां जाके आप मेडिकल करवा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप खुद जानते हो कि मेडिकल कहां हो सकता है गमका का, आप पहले से भी कराए हो या आपको नॉलेज है तो वहां भी जाके आप करवा सकते हो। क्योंकि मेडिकल, ये जो गमका मेडिकल होता है, इसमें हमारी कोई सेटिंग नहीं होती या किसी और की कोई सेटिंग नहीं होती है, ये जेन्युइन और एक बेहतरीन तरह का मेडिकल होता है जो गल्फ के लिए सर्टिफाइड होता है, जो कुवैत और दुबई के लिए आपको यहां पे नीडेड है दोस्तों। तो आप इसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि इंटरव्यू की डेट क्या होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए, आपके सामने स्क्रीन पे मैंने साफ साफ जो पेज प्रेजेंट किया है वो इंटरव्यू की डेट और टाइम को यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और लास्ट डेट क्या हो सकती है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, प्लस आप लोगों को मेडिकल जो गमका होने वाला है वो भी आपका हो जाना चाहिए, वो सब भी बहुत ही नेसेसरी है। तो इंटरव्यू की जो डेट है और टाइम है वो देख सकते हैं आप, 5-6-7 जुलाई 2019, ये आप लोगों की इंटरव्यू की डेट है। और इसी डेट में जो टाइम होगा, तीनों ही दिन में एवरीडे यहां पे साफ साफ लिखा है, तो वो दिन रहेगा 5-6-7 जुलाई 2019, और 10 बजे से सुबह शाम के 4 बजे तक आप लोग यहां पे आ सकते हैं। इन्हीं टाइम में, इन्हीं डेट पे आप आ सकते हैं, कभी भी आपका यहां पे इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाएगा। सो लास्ट डेट अगर मैं बता दूं कि 7 तारीख तक आपने तो किया है, ठीक है, 7 तारीख तक आपने किया है, और 7 तारीख के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और आप मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए हो, तो टर्म एंड कंडीशन क्या कहती है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सारी चीजें हो जानी चाहिए, आप मेडिकल भी करवा लेने चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट भले ही बाद में आए 12 तारीख के, क्योंकि 12 जुलाई 2019 ये लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने के, आपके डॉक्यूमेंट प्लस आपका मेडिकल वो हो जाना चाहिए। रिपोर्ट भले से एक हफ्ते बाद आए वो हम एक्सेप्टेबल है, लेकिन 12 तारीख इज बैरियर डेट, तो आप लोग इससे पहले ही अपना सारा प्रोसेस इसके अंदर कंप्लीट करवा देंगे। जो प्रोसेसिंग टाइम है इस जॉब को पाने के लिए,
30 to 45 डेज। इसलिए मैंने कहा कि आपका जो पासपोर्ट पे वैलिडिटी है पासपोर्ट की वो तकरीबन 8 महीने की होनी चाहिए, जुलाई से लेके 8 महीने की, अगले 8 महीने की अगर वैलिडिटी है तो निश्चिंत होकर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। और गलती से भी सोच लें कि 6 महीना और 7 महीना है तो सबसे पहले ख्याल रखें कि 30 से 45 दिन का प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं बता रहा हूं तो आप उस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो, क्योंकि आपका बीच में पासपोर्ट अगर एक्सपायरी डेट फिनिश हो जाती है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइज, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की और मुझे क्या इसमें प्रॉफिट होगा वो बात करते हैं कि जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे वो कैंडिडेट, यहाँ पे मैं बता दूँ कि मुझे सिलेक्शन के बाद, ठीक है, उनका वीज़ा और उनका टिकट आने के बाद मुझे 5,000 रुपीज़ देंगे इस जॉब में, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1,000 रुपये, जो कि सबको पता है। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप लोगों को कब पे करना है ये याद रखें। आप मीटिंग में आओगे, इंटरव्यू में आओगे, इंटरव्यू अटेंड करोगे, अटेंड करने से पहले आप लोगों को नहीं भरना है, क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन है आप उस पर अगर एग्री करते हो कि हाँ इस टर्म एंड कंडीशन पर हम जाने के लिए तैयार हैं 6 महीने के लिए और इतनी बेहतरीन जॉब, इतनी बेहतरीन सैलरी के लिए हम प्रोसीड करने के लिए तैयार है, तो उसके बाद ही आप लोगों को कदम उठाना है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी उसके बाद भरना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलीगल हो जाएगा कि मैं मिलूं आप लोगों से, इंटरव्यू लूं और उससे पहले आप लोग निग्लेक्ट कर जाओ, आप नकार जाओ कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, तो 1,000 रुपये आप लोगों को वेस्टेज हो जाएंगे। तो आप लोगों की तरफ से सोचते हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि जो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आप लोग आफ्टर इंटरव्यू पे करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि यस दिस जॉब इज बिलोंग्स टू यू तो आप प्रोसीड करिए आगे और 1,000 रुपीज पे करके अपना जो भी प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए। तो ये मेरे तरफ से है। और आपका सिलेक्शन होता है यहां पे, तो सिलेक्शन के बाद आप लोगों को क्या कंडीशन रहेगी कि आप अगर आपका टिकट और वीजा आता है तो टिकट वीजा के बाद आप लोगों को 5,000 रुपीज हमें पे करना होगा। या आप लोगों के तरफ से बस एक प्रॉमिस रहेगा कि आप लोगों को अगर टिकट वीजा हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि वीजा और टिकट पूरी तरह से जेन्युइन है तो आप लोग मुझे एक दिन बिफोर वन डे, जिस दिन आप फ्लाइट करने वाले हो उससे एक दिन पहले भी आप लोग अमाउंट जो 5,000 है वो पे करोगे तो भी वैलिड यहां पे माना जाएगा। तो दैट्स इट। सो अब बात करते हैं जो कैंडिडेट मुझसे मिलना चाहते हैं, रीजन क्या है मिलने का, जॉब तो है तो जॉब के लिए मैंने डेट अनाउंसमेंट की है, उस डेट पे आप आ जाइए, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, जुलाई का महीना 2019, इस डेट पे आप आ सकते हो जॉब की बात करने के लिए। और दूसरी बात रिफंड की मैं अगर कर लूं तो जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, रिफंड के लिए मिलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सर उनका रिफंड का क्या है, तो इस वीडियो में मैं उनको मैसेज दूं और एक समय और एक डेट दे रहा हूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जो कैंडिडेट मुझे रिफंड के लिए मिलना चाहते हैं, अदर कोई क्वेश्चन के लिए मिलना चाहते हैं, तो उनको यहां पे 4 जुलाई 2019 की डेट दी गई है और टाइम दी गई है 10 बजे से सुबह शाम के 4 बजे तक, आप किसी भी समय पे इसमें आ सकते हैं। और इसके अंदर मैं बता दूं जिन कैंडिडेट के पैसे बाकी हैं उनको इस वीडियो में मैं जो मैसेज दूंगा वो आप मेरे फेस टू फेस सामने भी खड़े रहोगे तो भी आपको वही मैसेज मिलेगा जो इस वीडियो में अभी फिलहाल मैं मैसेज देने वाला हूं। वो मैसेज ये है कि मुझे सभी लोगों का रिफंड करने के लिए ये जुलाई का पूरा महीना चाहिए। जुलाई का पूरा महीना अगर आप मुझे देते हो तो जो भी छोटे अमाउंट है लाइक 30-50,000 उनको तो इस महीने में रिफंड हो जाएगा, लेकिन जो बड़े अमाउंट है उनको मैं यहां पे प्रॉमिस करता हूं कि 60-70% ये महीने के अंत तक 60-70% आपका अमाउंट पूरा रिफंड हो जाएगा। और कोशिश रहेगी कि पूरा अगर हमें अमाउंट मिल पाता है तो इसी मंथ के अंत तक सारे अमाउंट रिफंड हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 2-2.5-3 लाख और 1.5 लाख भी रिफंड हमें करना है, क्योंकि अगर हम आपने हमसे काम करवाया है और हमने आपका कोई काम नहीं किया है तो फिर आपके अमाउंट से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं हो सकता है। अगर आपको हमने कोई भी काम करके दिया है तो आपके अमाउंट से कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, ना आपको टिकट दिया गया है ना वीजा दिया गया है, तो प्रॉब्लम इज व्हाट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दैट कि आप लोगों को टोटल रिफंड किया जाएगा 100% मेरी तरफ से। सो जुलाई का पूरा महीना दे दे गाइज, यही मैं प्रॉमिस करना चाहता हूं। और जो लोग मिलना चाहते हैं फेस टू फेस कोई वरी का बात नहीं है, यहाँ पे आप लोग इसी समय पे इसी डेट पे आके मिल सकते हैं। सो मेरी तरफ से एक और सजेशन है कि जो लोग कॉल करते हैं बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करते हैं, कॉल करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे एक खास करके मैसेज मैं देना चाहूंगा कि आजमगढ़ वाले ऑफिस पे अगर कॉल कर रहे हो तो आपके स्क्रीन पे मैं 3-3 नंबर प्रेजेंट कर रहा हूं, जो तीनों में से सिर्फ ज्यादातर जो पहले नंबर पे नंबर है जिसके लास्ट में 19 है आप देख सकते हैं, उस पे ही WhatsApp पे आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे स्कैन करके
और जो कॉल है उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। तो आपको सर्विस सर इस पर पिक करेंगे, कॉल आपको पूरा आंसर देंगे। तो व्हाट्सअप नंबर यही है हमारा, आप डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे भेजेंगे और कॉल भी इस नंबर पे कर सकते हैं। और दूसरा नंबर आप देख रहे हैं नीचे जिसके लास्ट में 16 है, ये जियो वाला नंबर है जिसपे हमारा पेटीएम ऑन है, जिसमें 1000 रुपये की जो पेटीएम आप करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए वो पेटीएम आप कर सकते हो। और 27 वाला नंबर, अगर वो दोनों नंबर पे संपर्क नहीं होता ऊपर वालों, तो थर्ड वाले नंबर का आप इस्तेमाल करिए। होप सो कि आपका संपर्क हो जाए। और खास करके मैं ये वीडियो जब अपलोड करूंगा तो बहुत से लोग ऐसे वरी रहेंगे और बार बार कॉल करेंगे, उनको मैसेज नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और आपका क्वेश्चन बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक वीडियो के थ्रू आंसर दूं या कॉलिंग के थ्रू आंसर दूं। और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग कॉल करिए और पूरा आंसर पाइए और डॉक्यूमेंट अपने सिर्फ 19 वाले नंबर पे ही व्हाट्सअप करिए गाइस। तो ये तीनों नंबर का मैंने सोल्यूशन बता दिया, कोशिश करें इस नंबर पे संपर्क करें, सिर्फ और सिर्फ 19 वाले पे ज्यादा संपर्क करेंगे तो आप लोगों को पूरा फायदा होगा यहाँ पे। और मैं बता दूं कि बहुत से लोग 5, 6, 7 और 4 तारीख को भी ऑफिस विजिट करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, मुझसे बातें करना चाहेंगे, इंटरव्यू को फेस करना चाहेंगे, लेकिन ऑफिस का एड्रेस क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। आप पूरे भारत के किसी भी कोने से आप आ रहे हैं, आजमगढ़ स्टेशन पे उतरेंगे, आपके स्क्रीन पे मैंने पिन कोड के साथ अपना पूरा एड्रेस दिया हुआ है। आजमगढ़ स्टेशन पे उतरे, स्टेशन से आप बाहर निकले, बाहर आप ऑटो वालों को बोलोगे जयगहां बाजार जाना है, या बस भी चलती है लोकल वहां पे बोलोगे जयगहां बाजार जाना है, तो जयगहां बाजार ही आपको लाके यहां पे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद बिंदवल वाले रोड पे 500 मीटर पे आप वॉक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो मेरा घर है और हम अपने घर से ही काम कर रहे हैं, तो उस घर पे आप आके मीटिंग अटेंड कर सकते हो, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो, सारी बातें वहीं पे आपको पता चलेगी। जो एड्रेस है हमारा वो आप देख सकते हैं कि जयगहां बाजार ऑन बिंदवल रोड बिफोर बिलरियागंज, ठीक है। बिलरियागंज भी यहाँ पे आजमगढ़ में एक प्लेटफॉर्म है, उससे पहले ही जयगहां बाजार पड़ जाता है। तो जयगहां बाजार में बिंदवल वाले रोड पे आप लोगों को आना है। तो एड्रेस भी मैंने डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। सो फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉच अवर शो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने एक वैल्यूएबल वीडियो बनाया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप लोग ऑफिस पे विजिट करें, मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूंगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।